नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता कर किया विपक्ष के षड्यंत्र का खुलासा। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को दिखाकर कहा, कतिपय लोगों के माध्यम से करवाया जा रहा है मेरे चरित्र हनन का प्रयास। सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा हमला, कहा नकल के लिए कांग्रेस कर रही थी हमारे घोषणा पत्र का इंतजार। और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया भरोसे का घोषणा पत्र। किसानों का कर्जा माफ, जातिगत जनगणना कराने, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने सहित अन्य घोषणाओं को किया शामिल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की सुबह डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बम्बलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश भर में 7 नवंबर को पहले चरण का 20 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले पीएम मोदी सहित कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को चुनावी दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 5 साल पहले मुझे षड्यंत्र से फंसाने की कोशिश डॉक्टर रमन सिंह ने की थी, उसी दिन से प्रदेश में भाजपा के पतन की शुरुआत हुई थी। अब ईडी के माध्यम से मेरे खिलाफ केंद्र सरकार षड्यंत्र कर रही है, उनके भी पतन की शुरुआत हो चुकी है। आगे उन्होंने नारायणपुर में हुई बीजेपी नेता की हत्या पर कहा कि मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारी फोर्स के दबाव के कारण नक्सली पीछे हट गए हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है, पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर आया है। और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूं भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार के भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बाद रविवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने जहां अपने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी का नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र कहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आने के बाद भाजपा के घोषणा पत्र के संयोजक रहे और सांसद तथा पाटन से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस उनके घोषणा पत्र की नकल करेगी और ऐसा ही हुआ है। हमने मोदी की गारंटी का बम फोड़ा तो वे हड़बड़ा गए, नकल के लिए वो हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। भाई अमित जी हैं, भाई अनुराग जी हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच में बैठने का अवसर मिला। इससे पहले घोषणा पत्र के सुझाव लेने के लिए आपके साथ स्वादिष्ट भोजन के साथ आप लोग के साथ बैठने का अवसर मिला था और आप सुख से अनुभव जो प्राप्त हुआ, सुझाव मिला, वो स्वादिष्ट घोषणा पत्र भी आया और पूरी जनता उसमें एक सुकून महसूस कर रही। भरोसे ये अभी आया है ना आज भरोसे का, तो भरोसा हमारे घोषणा पत्र में, क्योंकि जनता जान चुकी है इन 5 सालों में जो छलावा, जो धोखा, जो फरेब इस कांग्रेस सरकार ने की है ना लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूह की बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ेंगे। वृद्धा पेंशन के नाम से जो दिया जाता था उसमें भी बोले थे, कुछ नहीं छोड़े। शराब बंदी की बात अभी
वीडियो देखे ना, उनके खुद उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आखिरी उनका वक्तव्य जब विधानसभा का आखिरी जो सत्र था उसके बाद का, कि 12 हम किए ही नहीं, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं और उसमें शराब को कोट कर रहे हैं क्योंकि गंगा जल की कसम खाई थी। तो ये सब झूठी बातें। ये लोग कहा करते थे कि हम 17, ये इनके ये अभी मुख्यमंत्री जो है, अधिकार विहीन मुख्यमंत्री कहूँ उसको, क्योंकि अभी अधिकार तो है ही नहीं है, काम चलाओ मुख्यमंत्री बैठे हैं, और बड़बोलापन इतना कि 17 हमने बोल दिया, ये लोग कभी एक भी नहीं आया भाजपा वालों का। उसी समय मैं बोला था, बहुत सारे चैनलों में मेरा वक्तव्य आया था कि ये लोग कुर्सी बम फोड़ रहे हैं, हमारा आइटम बम आएगा। और माननीय अमित शाह जी आए और हमने एटम बम फोड़ा और ये भौचक रह गए, क्या करें कैसा करें। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग आज ये 2 पन्ने का घोषणा पत्र नकल करके लाए, देखिए 2 पन्ने का, और नकल में भी अकल होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा हमारा डाटा निकाले, बाजू में कोई ऑफिस बैठ गए, अकबर जी नहीं बनाए, इनके लोग बैठ गए, हमारा घोषणा पत्र निकाले और उसमें चलो भाई 2-2, 4-4 रुपये बढ़ा दो, ये है घोषणा पत्र, बनावटी घोषणा पत्र। और इस बनावटीपन को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है, और शायद 2 पन्ने से ऐसा लगता है कि वो 2 में ही सिमट जाएंगे इस बार। जैसे मुख्यमंत्री गए थे ना यूपी में, चुनाव बहुत बड़ा वो बन के पर्यवेक्षक बन के, 7 सीट सी वो 2 सीट में आ गई इनके जाने के बाद, वैसे शायद यहां होने वाली। जनता बखूबी जानती है, और हमने जो अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है मोदी गारंटी, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और वो भरोसा कायम, और इसीलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती, ये विश्वास 5 सालों की उनकी हरकत से लोगों के मन में जागा है। हम अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को भी सम्मान दिया है, किसानों को भी सम्मान दिया है, साथ ही साथ एक मुश्त राशि देने की बात कही है। हम 2 साल के बोनस की बात उन्होंने की थी कि हमारा 2 साल का जो बोनस रुका हुआ है उसको हम देंगे। अरे अपना घोषणा पत्र, अपने जो किए वादे तो 5-5 बार लोगों को, किसानों को लाइन लगवा के आपने किया, 4-4 बार लाइन लगाए किसान जा जाके, किस्तों में आप दिए, तो हमारे बोनस की बात करना तो छोड़ ही दो आप, उसको भी हमने देने का वादा किया है। और ये कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी की बात करते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी कर्ज मुक्त किसान चाहता है, कर्ज मुक्त प्रदेश चाहता है, कर्ज मुक्त देश चाहता है, और हर व्यक्ति कर्ज मुक्त हो, ये अभियान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। इतना सशक्त बना दो हर वर्ग को, किसान, मजदूर, हमारी महिलाएं, कि उसको कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना हो, यह हमारा मोटो है। लेकिन ये लोग आखिरी साल में जब चुनाव का वर्ष आता है एक सुरूपा छोड़ते हैं कर्ज माफी का, और उसको भी जनता अच्छी तरह जान चुकी है, और उसी के समकक्ष समराशि हमारा 2 साल का जो बोनस बकाया था उस बोनस को हम देने जा रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर 25 दिसंबर को। 15 दिसंबर के आसपास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और 25 दिसंबर को किसानों के खाते में जो 300-300 रुपया, 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय के जो आंकड़े हैं किसानों के और धान के, वो सारा का सारा पैसा किसानों के खाते में जाएगा। एक मुश्त राशि की हमने बात की, किसान भाई
रोपाई के समय, बुआई के समय कितना व्यस्त रहता है, एक मिनट वह अपने खेत को छोड़ नहीं सकता, एक एक दिन उसके लिए अनमोल है, फिर निंदाई में एक एक दिन अनमोल है, फिर कटाई में एक एक दिन अनमोल है, उसको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए हम एक मुश्त राशि 3100 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ये हमने कहा है, ये गारंटी मोदी जी की। और अगर व्यवस्था इतनी अच्छी करेंगे कि हम गांव में ही कुछ बैंकिंग सुविधा बना के उसको वहीं उनकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी हमने कहा है। महिलाओं के लिए 12,000 रुपया जो भी विवाहित महिला। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को रविवार को जारी कर ही दिया। हालांकि विभिन्न मंचों के माध्यम से कांग्रेस ने अब तक कई घोषणाएं की थी, उन्हें भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से किसानों का कर्जा माफ, जातिगत जनगणना कराने, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए वार्षिक बोनस, लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में 10 रुपए अतिरिक्त, सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क, गरीबों को 10 लाख अन्य को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए, सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी सहित अन्य घोषणाएं शामिल है। 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो, ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो काम जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा, जैसे 35 किलो चावल नमक मुफ्त देने की बात है वो निरंतर जारी रहेगा, जैसे हमारे नरवा प्रोजेक्ट है 13,000 नाले हमने पूरे कर लिए हैं, 30,000 हमारे छत्तीसगढ़ में नाले हैं उसको वाटर रिचार्जिंग करने का काम हम लोग करेंगे, और जिस प्रकार से गौठान लगभग 10,500 गौठान बन चुके हैं और उसमें से 6,600 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, अब वो कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने की का मजबूती प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। जो बाड़ी योजना है उसे भी और आगे बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। आदरणीय साथियों, इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बात, इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है, तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे, सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदू पत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4,000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदू पत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6,000 प्रति मानक बोरा के हो गया। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को
जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति क्विंटल प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे वो महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद अखिल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के, और APL परिवार जो है केवल 50,000 तक की उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज, छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो राशि कितनी भी हो उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तिंवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटर यान कर है शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ़ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1,000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल, इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6,000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तीसरा, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। चौथा, जो इलाज है अब वो 10 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल, विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख तक के, और दुर्घटना हो गया तो जितनी राशि हो, एक मिनट उसे पूरी जवाब दे दूं। और ये ऋण माफ़ी होगा उसका लाभ तो भाजपा वालों ने ऋण माफ़ी नहीं कहा, बिजली बिल हाफ की बात उन्होंने नहीं कही, शिक्षा में छूट की बात तो उन्होंने नहीं कही, ठीक है ना। तो उससे कई गुना ज़्यादा हम प्रत्येक परिवार को लाभ दे रहे हैं। 3200 रुपया यदि हम धान का कीमत दे रहे हैं, ये देखिए एक चीज़ ये है, जो प्राइवेट बैंक है वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन कमर्शियल बैंक में इसका लाभ मिलेगा। लेकिन लिमिट जो है वो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में प्रति एकड़ जो ऋण लेने की जो लिमिट है उतने ही उसमें कमर्शियल बैंक में उतनी राशि उसके खाते में पहुँचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, उसमें अभी देखिए 16,000 करोड़ का हमने PWD में काम किया है, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिल्डिंग हो। अब जैसे हमने हमारे 8 मेडिकल कॉलेज हैं तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगा ही, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा पोथा आप कर दें तो वो कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए इसको 60 में रखे हैं। ये जो किसानों को, मजदूरों को, लघु उन पर संग्राहकों को, महिलाओं को, युवाओं को जो लाभ देना है उसी भर को इसमें किए हैं। बचत तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी जैसे पूरे
एशिया में सबसे बड़ा हमारा होलसेल कॉरिडोर हमने शिलान्यास किया है रायपुर में, और पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि हर शहर में, हर जिले में इसका कॉरिडोर हम लोग बनाएंगे, तो उस बात को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी व्यापारियों की मीटिंग हुई थी राजनांदगांव में, तो हम लोगों ने इस बात को उल्लेख किया है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो काम करेंगे ही। संविदा कर्मी के लिए रमन सिंह जी हड़ताल में गए थे, समर्थन किए थे, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था। जब धरना में गए, और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे NHM में सबसे ज़्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने के तैयार है, तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे हैं दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण महोत्सव है ना, और जैसे मॉडल जैतखम बनाने के बाद, चाहे वो आदिवासियों के हमारे, चाहे देवगुड़ी है, ठाकुर देव, पेनगुड़ी, मातागुड़ी, ये सब जो बन रहे हैं, वो सब काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है, हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर सादी है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है, महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है, पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है, तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं,
सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो सूर्य मॉल के सामने जुनवानी रोड स्मृति नगर भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप से जुड़े लोगों के यहाँ ED की कार्रवाई लगातार जारी है। ED 5 सदस्यीय टीम ने रविवार की सुबह भिलाई के सुपेला मैत्री विहार के पास 3 बंगलों में छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप से मिले इनपुट के आधार पर ED ने दबिश दी थी। फिलहाल ED के अधिकारियों ने बंगला मालिक, 20 रिटायर्ड अधिकारी श्रीकांत मुसले और के उन्नयन से पूछताछ करीब 1.25 घंटे की। हालांकि तीनों ही जगह से टीम को कुछ नहीं मिला। इसके बाद टीम वापस लौट गई। महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करने संबंधित ED के दावे के बाद कांग्रेस द्वारा पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास की फोटो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ शनिवार की शाम जारी की गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सारी गड़बड़ियों में वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरों पर लगाते हैं। इनके संबंध से पहले वहां के जो पार्षद हैं उसका परम मित्र है। इसके साथ ही उन्होंने दुर्ग में PM मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर भी हमला बोला। तो ये सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं। इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथ ही हैं।
वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लेन देन हो चुका है। दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ पूरे देश में, तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते, इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते। इनकी संलिप्तता है, फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से, आपके कस्टम क्या कर रहा था। तो ये सारी बातें हैं जिसके इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब एक तरफ वो कहते हैं कि एक ही जाति गरीब का, फिर वो पिछड़े वर्ग कैसे आ गए, अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। मोदी जी आजकल सब यू टर्न मारना शुरू कर दिए। स्नेक कैचर राजेश रावण के साथियों ने दो स्थानों से रविवार को जहरीले सांपों को पकड़ा है। दोनों ही सांपों को शहर से दूर वन परिक्षेत्र में छोड़ा गया है। स्नेक कैचर राजेश राव और उनके साथियों द्वारा शहर के दो स्थानों से रविवार को जहरीले सांपों को पकड़ा गया है। सांप निकले जाने की सूचना दुर्ग RTO कार्यालय के पास से राजेश राव को मिली थी, जिसके तत्काल बाद वे मौके पर पहुंचे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सांप को अपने कब्जे में कर उसे प्लास्टिक की बरनी में कैद कर लिया। सांप को पकड़े जाने के दौरान राजेश राव को DPS चौक रिसाली के समीप पेड़ पर सांप के चढ़े होने की जानकारी मिली। इस सांप को देखने बड़ी संख्या में DPS चौक के पास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस दौरान राजेश राव दुर्ग में थे। उन्होंने अपने मित्र को DPS चौक पहुंचने कहा, जिसके बाद वह स्वयं भी DPS चौक पहुंचे और जहरीले सर्प को अपने काबू में किया। दोनों ही सांप खतरनाक प्रजाति के बताए गए हैं। सांपों को प्लास्टिक की बरनी में कैद कर उसे शहर से दूर वन परिक्षेत्र में छोड़ा गया है। गौरतलब है कि शहर के विभिन्न स्थानों में सांप निकलने की सूचना मिलते ही राजेश राव स्वयं मौके पर पहुंचकर इन सांपों को पकड़ते हैं। अब तक शहर के अनेक स्थानों से इनके द्वारा सांपों को पकड़ा जा चुका है। राजेश राव के व्यस्त होने पर इनके द्वारा अपने मित्रों को सूचित किया जाता है, जो मौके पर पहुंचकर सांप को अपने काबू में करते हैं। ये एक नाइट में एक हमारे पास में फ़ोन आया था, ये 9:30 की बात है। ये बिलाई क्लब का सेक्टर 10 के पास का था, एरिया JNT स्टेडियम के पास का। वो अंदर मतलब रेस्क्यू किए हैं हम लोग, वहाँ पर ये जो स्पेक्टिकल कोबरा था जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका दिख रहा है, और एक आज एक रेस्क्यू और हुआ था जो करीबन 11:30-12 के आसपास की घटना है। ये DPS जो चौक है जो स्कूल के पास में, हमें सूचना मिली थी कि ऐसा मतलब रोड क्रॉस कर रहा था नाग जो है, कोबरा जिसको बोलते हैं, और पब्लिक जो है उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रही थी और पत्थर उत्थर कुछ मार रहे थे। तो हमारे पास रेस्क्यू का फ़ोन आया तो हमने तुरंत उसको तत्काल जो है रेस्क्यू करके फिर हमने उसको कलेक्ट कर लिया। इन सांपों को आप लोगों के द्वारा कहाँ छोड़ा जाता है? इसको भी हम लोग ले जाएंगे इस आपका JP प्लांट के पीछे, जो एक पूरा खुला फॉरेस्ट टाइप का पूरा जगह है, वहाँ पर ऐसा पब्लिक प्लेस आना जाना वहाँ नहीं है, वहाँ पर इसको हम लोग उसको तुरंत रिलीज करेंगे अभी तत्काल। अब तक कितने सांपों को पकड़ा जा चुका है? सर अभी कम से कम मैं 5,000-10,000 सर मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ, और अभी गिनती में तो उतना अभी को ध्यान नहीं, मगर कम से कम 5,000-10,000 हो गया सर। कम से कम टीम में हमारे पास में अभी अवेलेबल में 15 लोग हैं सर, और एक्टिव में अभी सर 10 लोग हैं अभी। और जैसे मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन या कहीं मैं बाहर जाता हूँ तो हमारी टीम जो है चैनल के थ्रू हम लोग एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करके उस रेस्क्यू के लिए हम लोग कंप्लीट करते हैं सर। सर मेरा दो नंबर है सर, 7974937882, और एक नंबर और है 9926325105। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले।
हमारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड गंजपारा दुर्ग, कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना आरंभ है। सेवा समिति द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई।
आरंभ है सेवा समिति आदित्य नगर में आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को अपने घरों से निकलकर सारे काम छोड़कर मतदान करने जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको लेकर आरंभ है सेवा समिति के आनंद तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान सभी महिलाएं और रैली में शामिल लोगों ने आदित्य नगर सहित विभिन्न क्षेत्र का भ्रमण कर वार्ड के रहवासियों के बीच पहुँच मतदान की उपयोगिता और अपने अधिकार के बारे में प्रेरित किया। इस दौरान रैली में उपस्थित महिलाओं ने मतदान को लेकर नारा लगाते लोगों को आह्वान भी किया। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस महापर्व त्यौहार में हम लोग विधानसभा चुनाव जो पूरे छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है उसके लिए मतदाता जागरूकता संकल्प रैली निकाल रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के लोग अपना वोट दें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना वोट को ज़ाया करते हैं, ज़रूरी नहीं समझते, प्लस अभी जो लोग ओवर मतलब 18 प्लस हुए हैं उन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। हम लोग ये कार्यक्रम आरंभ सेवा समिति के थ्रू कर रहे हैं जो कि पटरी पार की समिति है और इसमें भारी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू हम लोग ये कार्यक्रम और ये रैली का आयोजन किए हैं। ये पटरी पार में पूरा भ्रमण होगा ये रैली का, आदित्य नगर, तितोड़ी, कैलाश नगर, शक्ति नगर, शांति नगर, कदम्बरी नगर, इस सभी जगहों में इस रैली का भ्रमण होगा। अधिक से अधिक संख्या में भी तो त्यौहार के कारणवश हमारे मतलब कुछ समिति के सदस्य आ नहीं पाए, बट फिर भी 500 से अधिक की संख्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में होने वाला है इस बार जो चुनाव, उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे पटरी पार का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को एकदम पिछड़ा माना जाता है, तो यहाँ के लोगों को मैं जागरूक इसलिए हमारी समिति जागरूक इसलिए कर रही है कि एटलीस्ट आप लोग जाओ और अपने जो वोट का अधिकार है आप लोग वोट दो। आपको जिसको देना है उसको दो, लेकिन कम से कम वोट दो घर में बैठ के। बाद में लोग कंप्लेन करते हैं, उसके लिए पहले से हम लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप जो 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है उसमें जाके आप लोग वोट दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 31 दिसंबर तक संपत्ति कर पटाए जाने पर नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं को 2% छूट का लाभ मिलेगा। संपत्ति कर पटाने निगम प्रशासन द्वारा मुख्यालय सहित जोर कार्यालय में व्यवस्था बनाई गई है। 100% संपत्ति कर पटाए जाने को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा एक बार फिर से संपत्ति करदाताओं को छूट का लाभ दिया जा रहा है। यदि नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति करदाता 31 दिसंबर तक अपना संपत्ति कर नगर निगम के मुख्यालय अथवा जोन कार्यालय में जमा करते हैं तो उन्हें 2% छूट का लाभ दिया जाएगा। संपत्ति कर पटाने निगम प्रशासन द्वारा मुख्यालय सहित जोन कार्यालय में व्यापक रूप से व्यवस्था बनाई गई है ताकि संपत्ति कर पटाने आए करदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 31 दिसंबर के बाद संपत्ति कर पटाए जाने की स्थिति में अधिभार की राशि भी पटानी होगी। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा संपत्ति कर के भुगतान के लिए जोन कार्यालय मुख्य कार्यालय में नागरिकों की सुविधाओं के लिए काउंटर खोल के रखा है। इसमें क्षेत्र के भवन मालिकों से आग्रह है कि अपने भवन का व्यावसायिक परिसर आवासीय क्षेत्र का संपत्ति कर का 31 दिसंबर तक भुगतान करके 2% की छूट का लाभ अवश्य उठाएं। बहरहाल नगर निगम की इस छूट का लाभ उठाकर निगम क्षेत्र के संपत्ति कर दाता अधिभार से बच सकते हैं। निगम की अधिकृत एजेंसी के माध्यम से भी संपत्ति कर पटाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वार्ड 24 हाउसिंगपुर कॉलोनी मुख्य मार्ग के किनारे अब भी घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को डंप कर जलाया जा रहा है। यहां से उठी दुर्गंध से रहवासी परेशान हैं। सड़क किनारे एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन होते देखा जा सकता है। घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को जलाकर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होते हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड 24 में देखा जा सकता है। यहां नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा सड़क किनारे कचरे को डंप किया जाता है। वर्षों से ऐसा कार्य किया जा रहा है लेकिन डंप कचरे को उठाने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कुछ लोगों द्वारा सड़क किनारे डंप कचरे में आग लगाई जाती रही है, इससे एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन होते देखा जा सकता है। काफी वक्त से ऐसी स्थिति बने होने के बावजूद नगर निगम प्रशासन ने संज्ञान में मामला होने के बावजूद इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य मार्ग के किनारे कचरे को जलाए जाने की वजह से यहां से उठते धुएं के कारण सड़क से आवाजाही करते लोगों के साथ आसपास के रहवासी भी परेशान हैं। प्रदूषण के कारण यहां बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। सड़क किनारे कचरे के रूप में पड़े पॉलीथीन को खाकर दुधारू मवेशी बीमार हो रहे हैं।
कचरे को जलाए जाने की घटना को किसके द्वारा अंजाम दिया जाता है, इसका खुलासा भी अब तक नहीं हो सका है। कचरे के रूप में पड़े बड़े कार्टून और झिल्लियों को स्थानीय एक चार पहिया सर्विसिंग सेंटर के कर्मचारियों द्वारा सड़क किनारे फेंका जाता है। नगर निगम जोन 2 कार्यालय के स्वास्थ्य प्रभारी को इस पूरे मामले की जानकारी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा अब तक चार पहिया सर्विसिंग सेंटर के संचालक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम की सफाई एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किस तरह से अपने कार्यों को अंजाम दिया जाता है, यह नगर निगम के विभिन्न वार्डों में देखा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। 1 नवंबर से सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके चलते किसान जल्द से जल्द फसल की कटाई कर लेना चाह रहे हैं। दुर्ग संभाग में खरीफ फसल धान पक कर तैयार होने के साथ किसान अपने खेतों में हार्वेस्टर से धान की कटाई कराने में जुट गए हैं। इसी को देखते हुए बालोद जिले के ग्राम पड़की भाट निवासी कृषक जितेंद्र कुमार निशान शनिवार को गंजपारा दुर्ग स्थित कमला मोटर्स पहुंचे और उन्होंने प्रीत हार्वेस्टर मशीन की डिलीवरी ली। हार्वेस्टर मशीन की डिलीवरी कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमीचा ने कृषक जितेंद्र कुमार निशान को प्रदान की। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में खेती के लिए हार्वेस्टर की अहम भूमिका होती है। गौरतलब है कृषकों का हार्वेस्टर को परख करके लेना उनकी खेती के व्यवसाय में प्रगति करता है। बता दें दुर्ग जिले में संचालित कमला मोटर्स में उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता व बेहद किफायती दरों पर हार्वेस्टर्स उपलब्ध हैं। शनिवार को कृषक जितेंद्र कुमार निषाद द्वारा कमला मोटर्स पहुंचकर प्रीत हार्वेस्टर लिया गया। विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात बालोद पड़की भाट निवासी कृषक जितेंद्र कुमार निषाद को कमला मोटर्स के संचालक ने प्रीत हार्वेस्टर मशीन की चाबी सौंपी। कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा ने स्वयं प्रीत हार्वेस्टर मशीन की डिलीवरी दी। कमला मोटर्स में उपलब्ध हार्वेस्टर की क्वालिटी सबसे बेहतर मानी जाती है, यही कारण है कि कृषक कमला मोटर्स से ही हार्वेस्टर मशीन खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक एवं कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी देवीन यादव ने रविवार को प्रेस वार्ता लेकर विपक्षी षड्यंत्र का खुलासा करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग उनके बढ़ते जनाधार एवं लोकप्रियता से इतना घबरा गए हैं कि कतिपय लोगों के माध्यम से मेरे चरित्र पर हमला करवाना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों को सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो दिखाते हुए कहा कि इसके माध्यम से मेरा चरित्र हरण करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस वीडियो से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पूर्व भी ईडी द्वारा मेरे घर दी गई डबिस के बारे में भी गलत प्रसारित किया गया था। कुछ दिन पूर्व ईडी द्वारा हाउसिंग बोर्ड निवासी आसिम दास नामक युवक की गिरफ्तारी के समय में भी कतिपय लोगों द्वारा मेरे नाम को जोड़ने का प्रयास कर आम जनता व मतदाताओं में मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मानित बंधुओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ और सच्चाई को सामने लाने वाला एकमात्र, हम हो या आम जनता हो, उनके लिए एकमात्र भरोसा। जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले के बात हो, कहीं पर भी जब कोई सच्चाई सामने लाई जाती है, कोई विषय लोगों तक पहुंचाना होता है, तो मीडिया का से मदद मांगी जाती है और मीडिया के सामने लोग अपनी बात भी प्रस्तुत करते हैं और मीडिया भी जो सच्चाई है उसको लोगों तक लेके जाती है। और भिलाई की मीडिया एक ऐसी प्रबुद्ध मीडिया है जो हमेशा ही सच्चाई को आम जन तक पहुंचाई है और भिलाई का यही नेचर रहा है, भिलाई की यही खासियत रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर सभी मीडिया के साथियों को बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया। बुलाने का काम कारण थोड़ा विशेष था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पे क्या चर्चा करूँ, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे मुझे चर्चा करनी चाहिए। फिर देखिए ऐसा है कि इसकी जाँच करने के लिए तो मैंने लिख दिया है, इसमें फॉरेंसिक जाँच की रिपोर्ट भी आ गई है, वो सब पक्ष में, लेकिन मानहानि किस पे करूं, कहां से ढूंढूं कि कौन आदमी ने पहला निकाला था। पुलिस के हिसाब से तो ये हैदराबाद से सबसे पहले भेजी गई थी और पुलिस की टीम ने हैदराबाद में भेजा, वहां से ये एक
रिसाली के कुछ बच्चों के पास आए, कुछ ग्रुप्स में आए, और जिस नंबर से आया वो नंबर उस समय से अभी तक बंद है, उस वो नंबर अभी तक बंद है, वो नंबर चालू नहीं है जिस नंबर से आया, पुलिस का ये कहना है। तो आइडेंटिफाई किसको करूँगा, किसके ऊपर मानहानि कर रहा होगा? अब तो सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं, और किससे क्या मतलब है? मानहानि का से भी इसकी कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन स्पष्टता और सच्चाई आनी चाहिए, और दोषी जो भी हो कम से कम उसकी जो ये कर रहे हैं वो आखिरी नंबर तक हम रीच कर जाएंगे, तब भी मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा, सच्चाई है मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा, इसकी तय तक भी जाके क्या पाऊंगा? जो गंदगी या जो समाज को भिलाई के शहर इल्ज़ाम बहुत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन ये हद होगी, ये इसने दुख पहुँचाया मेरे को, किसी भी इल्ज़ाम से ना कभी मैं ना डरा नहीं। आप बताइए, ग्राफिक्स लगा दिए गए, पोस्टर्स लगा दिए गए कि अपराध रेट इतना बढ़ गया। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, उस ग्राफिक्स पे अगर जाएंगे ना तो वो सच्चाई नहीं, लेकिन उसको ऐसा ऐसा करके ग्राफ बनाया गया कि इतने मर्डर हो गए इतने दिनों में, कि लोगों को लगता होगा कि शायद सही होगा, लेकिन मैं उसकी तरह तक भी गया हूँ, ये सच्चाई नहीं। 150 नंबर जो दिए हैं वो जितने भी हुए लेकिन उससे 5 गुना कम हुए दिखाया जा रहा है, और उसमें एक ऐसी शक्ल दिखाई जा रही है जो मुझसे मिलती जुलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है, इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है, और जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं? आज AI का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति? पहले मुझे गुंडा मवाली और सट्टे से जोड़ा गया, जब महादेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ाने लग गया, हमने वो विषय उठाया, तो अब एक फर्जी MMS लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हो। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहनें हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं, और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो, तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है वो कर लो, लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं एक तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार, जितना बनाना था ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए BJP के लोगों को। लड़ सकते तो आओ ना जमीन में, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो, भगवान नहीं माफ करेगा, और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे, और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं। ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था, जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया, लेकिन अब हद हो गई यार। चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो, लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो, और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे? भिलाई को बनाने की बात होगी, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं होगी, और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा।
मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़ लो, सामने से लड़ो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लड़ना चाहिए, जिसको बात करनी चाहिए, जनता कन्विंस हो सकती है आपसे। लेकिन ये तरीका बहुत ही गंदा है कि आप फेक एमएमएस बनाकर लोगों को दोगे और फेक एमएमएस के माध्यम से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। नहीं कीजिए ऐसा और आपकी भी छवि खराब होगी। आपको लोग बहुत जिम्मेदार आदमी मानते हैं, आपको शहर भी आपकी बातों को जिम्मेदारी से समझता है। लेकिन अगर आप और आपके कार्यकर्ता इस तरीके से गंदगी पे उतरेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा साख किसी की गिर रही ना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही। इस बात को आप याद रखें, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से मत प्रताड़ित करो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इस तरीके से नहीं, ये बहुत गंदगी है। और किसी में सच्चाई है, सच्चाई है तो लाओ ना सामने, प्रस्तुत करो ना। लेकिन ऐसे फेक वीडियो एमएमएस बनाकर लीक करके आप मेरी छवि को नहीं खराब कर सकते। मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, मेरा ईश्वर जानता है और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग देश भर के जानते हैं। लेकिन ये गंदगी नहीं चलेगी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।